नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर महेंद्र खारड़िया असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को प्रत्याभूति। आप सभी ने गारंटी का नाम तो सुना ही होगा और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है व्यापार क्रय। जब कभी हमें लोन की आवश्यकता होती है तो हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जाने के बाद वो बैंक का मैनेजर है वो कहता है कि गारंटी चाहिए, यानी इस बात की गारंटी कि आप जो पैसे ले रहे हो अगर आप नहीं चुका सकते तो जो गारंटी ले रहा है वो उसका भुगतान करेगा। यही बात आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यापार का जब क्रय किया जाता है उस समय विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को गारंटी दी जाती है कि अगर लेनदारों देनदारों BR और BP और लाभांश के संबंध में अगर आप को कोई विश्वास नहीं है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इससे कम राशि अगर आपको प्राप्त होती है तो मैं उसका भुगतान करूंगा, इससे ज़्यादा राशि अगर आपको भुगतान करनी पड़ी तो उसका भुगतान मैं करूंगा। तो एक गारंटी दी जाती है विक्रेता कंपनी द्वारा, जो विक्रेता है वो क्रेता कंपनी को गारंटी देता है। तो इस गारंटी के बारे में ही आज बातचीत हमारी होगी। तो देखिए, विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को प्रत्याभूति, गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर्स। क्रेता कंपनी को यदि विक्रेता की बातों पर विश्वास न हो तो विश्वास दिलाने के लिए विक्रेता क्रेता कंपनी को कुछ बातों के लिए गारंटी प्रदान कर सकता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल के संदर्भ में, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के संदर्भ में और डिविडेंट के संबंध में। ये तीन जो संपत्ति और दायित्व से संबंधित आइटम्स हैं इनके संबंध में विक्रेता क्रेता को गारंटी देता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डेटर्स और बिल रिसीवेबल के संबंध में गारंटी, यदि क्रेता कंपनी ने विक्रेता के देनदारों डेटर्स और बिल रिसीवेबल की संदिग्धता के कारण न लिया हो, यदि क्रेता कंपनी ने क्रेता कंपनी को लगा कि देनदार प्राप्त नहीं होंगे या बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट नहीं होगा तो उनको लेने के लिए वो मना कर सकता है, किंतु यदि विक्रेता इस बात का आश्वासन दे दे कि देनदारों डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से संपूर्ण राशि की वसूली हो जाएगी और यदि राशि की कोई वसूली नहीं होती है अर्थात डूब जाते हैं तो विक्रेता है उसकी पूर्ति करेगा, अर्थात ऐसे आश्वासन से डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के संदर्भ में गारंटी कहा जाता है। जो गारंटी वो देता है कि अगर इससे कम राशि प्राप्त होती है
तो जितनी राशि कम प्राप्त होगी उसका भुगतान मैं करूंगा, ये गारंटी दे देता है क्रेता कंपनी को विक्रेता। अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स के संदर्भ में, यदि क्रेता कंपनी विक्रेता के इस आश्वासन पर कि क्रेडिटर्स बिल्स पेबल को पुस्तक में लिखी गई राशि से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा, वो इसकी गारंटी देता है कि जितनी राशि लिखी गई है, पुस्तक मूल्य जितना है, उतनी राशि का भुगतान आपको करना होगा। इससे ज्यादा अगर कोई क्रेडिटर्स या दे बिल्स पेबल के संदर्भ में कोई भुगतान करना पड़ जाए, तो जितना अधिक भुगतान आपने किया है उस राशि को आप क्रेता कंपनी को मैं प्रदान कर दूंगा, वो गारंटी दे देता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के संबंध में। तो जो गारंटी क्रेडिटर्स और बीपी के संबंध में दी जाती है उसे हम क्रेडिटर्स और बीपी के संदर्भ में दी गई गारंटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको गारंटी का महत्व समझना है कि गारंटी होती क्या है, उसका लेखा किस प्रकार से आप करोगे। और नेक्स्ट आपका है डिविडेंड के संबंध में, विक्रेता क्रेता कंपनी को न्यूनतम लाभांश वितरण करने का भी गारंटी दे सकता है। यदि लाभांश की राशि इस न्यूनतम सीमा से कम रहती है, अगर लाभांश है वो न्यूनतम सीमा से कम मिलता है, तो इस राशि की पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाएगी, ये गारंटी भी विक्रेता है वो क्रेता कंपनी को प्रदान कर देता है। इन सभी आश्वासनों की पूर्ति के लिए क्रेता कंपनी विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से पर्याप्त राशि रोककर विक्रेता के प्रत्याभूति खाता, जिसको वेंडर्स गारंटी अकाउंट बोलते हैं, में स्थानांतरित कर देता है। जितना क्रय प्रतिफल का भुगतान करना होता है उसमें से कुछ राशि है वो बचाकर रख लेता है और उसको विक्रेता के प्रत्याभूति खाते में ट्रांसफर कर देता है। इसके लिए विक्रेता खाते को डेबिट किया जाएगा और निर्धारित अवधि में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से कम राशि मिली या क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल को अधिक राशि चुकाई गई या कंपनी को कम लाभ प्राप्त हुआ, तो विक्रेता के प्रत्याभूति खाते को डेबिट करके डेटर्स बिल्स रिसीवेबल बैंक खाते या आदि के को क्रेडिट किया जाता है और प्रत्याभूति अवधि समाप्त होने के बाद इस खाते के शेष को लौटा दिया जाता है या प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार इसका समायोजन कर दिया जाता है। अब देखिए क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियां, विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से कुछ राशि रोककर विक्रेता प्रत्याभूति खाते में हस्तांतरित करने पर वेंडर्स अकाउंट DR टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट DR टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट, ये एंट्री हम करेंगे। क्रय प्रतिफल में से कुछ राशि को रोक लिया जाता है और उसे वेंडर्स गारंटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि विक्रेता डेटर्स बिल्स रिसीवेबल में से की राशि गारंटी राशि से कम है, यदि विक्रेता के डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से कम राशि प्राप्त की गई है गारंटी से कम, तो कमी की राशि से विक्रेता के प्रत्याभूति खाते से वसूल करने पर एंट्री क्या होगी, वेंडर्स गारंटी अकाउंट DR टू वेंडर्स ओब्लिक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और प्राप्त होने पर वेंडर्स गारंटी अकाउंट DR टू बैंक।
या एंट्री कर देंगे, और यदि गारंटी अवधि में कंपनी के शुद्ध लाभ में से किसी वर्ष लाभांश के लिए दी गई राशि से कम राशि प्राप्त होती है तो कमी की राशि को विक्रेता के प्रत्याभूति खाते से वसूल करने पर, तो वेंडर्स गारंटी अकाउंट DR टू सरप्लस अकाउंट, ये भी एंट्री कर देंगे अगर आपको जितनी राशि के लिए गारंटी दी गई लाभांश प्राप्त करने के लिए उसे कम राशि प्राप्त होती है तो वेंडर गारंटी अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे और सरप्लस को कर देंगे क्रेडिट। थैंक्स, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स।